पुलिस स्टेशन से कोई फोन आया था क्या? नहीं आया था। हाँ, एक पुलिस वाला आया था, कह रहा था 500 रुपए दे दो मैं आपका स्कूटर ढूंढ दूंगा, पर अब मुझे लगता है कि स्कूटर हमें ही ढूंढना पड़ेगा। हेलो बेटा स्वाति। हाय आंटी। आंटी पापा घर पर हैं, आपके लिए गोल्डन चांस है। ए, पागल है क्या? अरे मॉम आप हो, इतने अच्छे से बात कर रही थी, मुझे लगा सुंदरम आंटी हैं। अच्छा आप सुनो, वो अपने प्रसाद अंकल है ना, उनका बेटा है वासु। क्या वासु, ये कौन है? तेरा होने वाला पति है, मैंने उसे तेरी फोटो भेज दी है। मेरी फोटो? हाँ। किससे पूछकर भेजी, मेरी परमिशन ली? इसमें तुम्हारी परमिशन लेने की क्या जरूरत है, लड़का साउंड इंजीनियर है, महीने की 4 लाख सैलरी है, और क्या चाहिए तुझे, उसके साथ बहुत खुश रहेगी तू। मुझे जवाब हाँ में चाहिए। मॉम आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, डॉली उसका पीछा करो। वो देख वही मेरी स्कूटर है। Are you sure? पहले सही से देख ले। 100% नो डाउट वो मेरी ही स्कूटर है। तो क्या इसीलिए चुराई थी? I'm not sure, उस दिन चेहरा नहीं देखा था, पर ये दिखने में चोर जैसा नहीं लग रहा है ना? मुझे तो शक्ल से ही एक नंबर का लुच्चा लग रहा है। ठीक है अभी इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। अब चेक कर ले। यहाँ सबके सामने? ये मेरी स्कूटर है। तुम्हें कहाँ से मिली? सच बोला तो नहीं पड़ेगी, चूना लगा गया। 80,000 का स्कूटर 40,000 में चिपका गया। बाप का ऑपरेशन बताकर, माँ का वास्ता देकर भाई का स्कूटर दे गया। मैं उसकी बातों में आ गया और उसे पैसे दे दिए। ये मेरी स्कूटर है, बंजारा हिल्स पर चोरी हो गई थी, मैंने कंप्लेंट भी करवाई थी। मेरे साथ आओ, मैं प्रूफ कर देती हूँ। सुनिए ना, तुम भी तो मेरी तरह क्यूट स्वीट और इनोसेंट हो, और वहाँ अंदर तो सारे गुंडे बैठे हुए हैं, यहीं पर मामला सुलझा लेते ना प्यार से। पता है 2 लीटर पेट्रोल डाल चुका हूँ इसमें। देखो मुझे यकीन हो गया कि ये बाइक तुम्हारी ही है, तुम चाहो तो इसे अभी ले जाओ, बस उस चोर को पकड़ने में मेरी थोड़ी मदद कर देना। ओके ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय बाय। ए ऑटो भाई रह क्या? हाय मेरी पसंदी। ए ऑटो सुनो है? तुम कैसे जाओगे? कौन मैं? यहाँ शेयर ऑटो तो नहीं मिलती, बस भी कभी कभी आती है, और धूप में मैं चलूंगा नहीं। किस तरफ जाओगे? उस तरफ। मैं उधर ही जा रही हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। पक्का? हाँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि बसंती मिलेगी, आजकल तुम जैसे अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं। अच्छे भी और स्मार्ट भी। तुम करते क्या हो? मैं? हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओ कहाँ पर? कच्ची बोली। कच्ची बोली में कौन सी कंपनी? वो ABCD HP। ओ यूलेट पैकर्ड। अच्छा अब तुम गेस करो मैं क्या करती हूँ। जर्नलिस्ट हो। अरे तुमने कैसे गेस कर लिया? Obviously, इतने सवाल सिर्फ जर्नलिस्ट ही तो पूछते हैं। सिंपल। अच्छा ये बताओ तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने क्यों जाते हो? शक्ल से तो तुम बिल्कुल इंजीनियर नहीं लगते। ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखने थोड़ी जाऊंगा। हाँ, बहुत सारे सवाल पूछ कर तुम्हें बोर तो नहीं कर दिया ना? अरे नहीं, तुम्हारे सवालों की वजह से अब मैं खुद को ज्यादा जानने लगा हूँ। यहाँ क्यों रुका? तुम्हें यहाँ कोई काम है क्या? अरे तुम्हें तो बताया कि तुम HP में काम करते हो। ओह यस, यही खोली मतलब ऑफिस है HP।
वंस अगेन स्कूटर के लिए थैंक्स। कितना थैंक्स बोलोगी, मुंह दुख जाएगा। तुम जैसे ईमानदार इंसान को जितनी बार थैंक्स बोलू कम है। ऐसी बात है तो मेरा नंबर ले लो, फिर हर घंटे में फोन कर करके थैंक्स बोलना। बताओ 96453 55451 55451। तुम्हारा नाम? I'm Surya. Swati. Hi. Okay then. See you around. Bye. Swati. अगर मुझे तुम्हें थैंक्स कहने का मन किया तो व्हाट्सएप चेक करो अपना। ए रुक। सॉरी। क्या बताया था उसे? हेलो, मोर्स एंड पैकर्स में काम करता है? इवलेट पैकेट में जॉब है। आसान नाम नहीं मिला क्या? ये तो डीमोनेटाइजेशन से भी डिफिकल्ट लगता है। ओए, तारों को देखकर क्या अकेले अकेले मुस्कुरा जा रहा है? बात क्या है? कुछ नहीं रे। अरे बता ना, बात क्या है? उस स्कूटर वाली लड़की को याद कर रहा है ना? मन में सोच रहा है कि उस लड़की को फोन करें या ना करें। तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तेरे बारे में सोचने के लिए वो है ना, अचानक में भयानक मकान मालिक। क्यों उस मनहूस का नाम ले रहा है? फोन बज रहा है, उसी का होगा। हेलो। हाय सूर्या। कौन? हे, मैं हूँ स्वाति। मेरा नंबर सेव नहीं किया क्या? हाँ, स्वाति। अरे वो काम में बिजी था इसलिए नंबर सेव नहीं कर पाया। ओके। अच्छा, स्कूटर बेचने वाले का पता चला? स्कूटर नहीं, उसका घर बंद था, ताला लगा हुआ था। अच्छा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ कहीं का। वैसे मेरे चाचा बहुत अच्छा काला जादू करते हैं, उनसे मैं उस पर काला जादू करवा दूँ। मतलब एक छोटे से स्कूटर के लिए चाचा जी को क्यों परेशान कर रही हो? मैं हूँ ना, वो चोर मुझसे बच नहीं पाएगा। उसे किसी हाल में मत छोड़ना प्लीज। छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तुमने खाना खाया या नहीं खाया? कालिया को अनंतपुर में दो लोगों को बेरहमी से कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले से अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। Did you see? सिर्फ दो लोगों का खून किया बेचारे ने और जज ने फांसी की सजा सुना दी। हेलो दुर्गा। हाँ वकील साहब, राइट टाइम एंट्री कमिंग। सिर्फ दो मर्डर्स किए और पुअर मैन को डेथ की सजा दे दी। मुझे तो 25 बार फांसी पर चढ़ाएंगे। दुर्गा, पुलिस को तुम्हारे खिलाफ कई सबूत मिल गए हैं, तुम्हारा फांसी पर चढ़ना निश्चित है। किसी भी तरह से पुलिस, जज और अपोजिशन के वकील को मैनेज करना होगा। अरे लायर, पी हुई सारी उतार दी, तुझे डराने के पैसे नहीं देता, और जितना चाहिए बोल, बस केस को खींचता जा। ओके। हे, गिव द मनी टू हिम। चलता हूँ दुर्गा। वन सेकेंड। कहाँ है? एक करोड़, दो करोड़, टाइम खोटी नहीं करने का। डेढ़ करोड़ दे सकता हूं। दो करोड़ एक बार बोला, समझता नहीं है? कल बताता हूं। Oh, God.
किसी और से जाके पूछ ले। हाँ स्वाति। ये सूर्या, कहाँ हो तुम? कटिंग कर रहा हूँ। और क्या? क्या? मेरा मतलब मीटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ। यहाँ की रिसेप्शनिस्ट तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। अरे उसने कान की मशीन नहीं बनी होगी, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके। ओ सॉरी, दिल के डॉक्टर का फोन था। ए डूड, व्हाट्सएप पे जवाब क्यों नहीं देता? उस पे वो नया फीचर आया ना अंगूठा छाप वाला, अंगूठा लगा खुद जान जा। ए तेरे को बाद में मिलता हूँ। स्वाति, आई एम सो सॉरी, मेरे बिना कंपनी चलती ही नहीं है। ओके, चलो चलते हैं। दौड़ते हैं। रिसेप्शनिस्ट तुम्हारा नाम कैसे नहीं जानती? अरे वो चैप्टर आज नाम बोलूंगा, कल घर पे आएगी। तुम चलो। ओह।